हेलो, अस्सलाम वालेकुम रुहीना, कैसी है आप? वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू जोरा? आई एम ग्रेट, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। और आप मुझे बताएं, विदाउट एनी फर्दर डिले, हाउ आर वी स्लेइंग मंडे टुडे? आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स एंड हुमेवर इज वाचिंग आवर वीडियोस, आई एम श्योर दे विल बी रियली इंटरेस्टेड टू वॉच टिल द एंड। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के बहुत कमेंट्स आएंगे इस बार इंशाल्लाह। बेसिकली आज का टॉपिक है कि जी व्हाई डू वी गो, यू नो, व्हाई डू वी वर्क, व्हाई डू वी नीड अ जॉब। सो आई एम श्योर द आंसर इज भाई पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, राइट? कुछ जवाब ये भी आएंगे कि जी वेल आई एम अ करियर ओरिएंटेड पर्सन, मुझे एक्स वाई जी पोजिशन अचीव करनी है। सो यस, दीज आर ऑल द राइट रीजंस टू एस्पायर फॉर अ करियर, फॉर अ प्रोफेशन। हाउ एवर, बॉटम लाइन आई एम श्योर हर किसी के दिल में यही होती है कि जी हमने एक यू नो वी नीड अ पीसफुल लाइफ, वी नीड टू मेंटेन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक लाइफस्टाइल, एक फैमिली के साथ एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जहाँ पे वी फील गुड अबाउट इट। सो ऑल बेसिकली ये जो एक अंदर से क्रेविंग होती है दैट बेसिकली इंस्पायर्स यू टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर क्वालिफिकेशन, टुवर्ड्स योर करियर एंड एवरीथिंग। सो आज का जो टॉपिक है बेसिकली ऑल दोज पीपल हैव बीन फॉलोइंग आवर पोस्ट एंड आवर यू नो आवर मैसेजेस, आज का मॉन्सले का टॉपिक है अनयूजुअल पर्क्स एट वर्क। सो आई एम श्योर वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर पर्क्स एंड बेनिफिट्स असाइड फ्रॉम सैलरी एंड इनकम एंड ऑल दोज थिंग्स। देर आर सर्टन पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो के दैट बेसिकली आर द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई। तो आज हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे कि भाई क्या बात होते करेंगे, हैं लेकिन पर्क्स एंड आप बहुत बेनिफिट्स। बहुत हम्बल तरीके से आप मेंशन कर रही हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपको स्टिक अराउंड करता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन अ सर्टेन जॉब। रुहिना, आई हैव मेट सच प्रोफेशनल्स आल्सो, एंड आई एम श्योर आप भी मिली होंगी ऐसे लोगों से जो 10 12 साल या 20 20 साल एक ही पोजिशन में, एक ही कंपनी में, एक ही डिपार्टमेंट में देते हैं, और चाहे वो जितना चोक फील कर रहे हो, उनको कोई प्रोग्रेशन ना मिली हो, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सैटिस्फाइड होते हैं अपनी अपने काम से। सो कमिंग टू द पॉइंट जोरा, वी ऑल नो हुमेवर इज अ प्रोफेशनल एंड हु इज एस्पायरिंग टू बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनल, हु आर ऑलरेडी इन द फील्ड, चाहे वो किसी भी पोजिशन पे हो, एज एन एम्प्लॉयर जो लोग देख रहे हैं या एज एन एम्प्लॉई, यू नो विच एवर पोजिशन दे आर होल्डिंग, सबको पता है कि व्हेन व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर और व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पनसेशन जिसके अम्ब्रेला में जो बात आती है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट दोज डिटेल्स एट द मोमेंट। हम बात करेंगे उन पर्क्स एंड बेनिफिट्स की जो के देखें, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स। एक पर एंड बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट पर्क्स एंड बेनिफिट्स, और यू कैन से फ्रिंज बेनिफिट जिसे कहा जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरी सैलरी, अबव, या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मंथली कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी और पे, मैं बात कर रही हूँ ओवर एंड अबव जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सो विद इन दोज यू नो अंडर दोज बेनिफिट्स ऑल्सो देर आर थ्री कैटेगरीज। एक कैटेगरी होती है जो कि बाय लॉ ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू पे, जो स्टेट ऑफ लॉ होता है आपकी आपके मुल्क का या आपकी जहां भी आपके सिस्टम का, वो बेसिकली पे करना पड़ता है। आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, विच बेसिकली इंक्लूड जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स, जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आ जाते हैं, यू नो समटाइम्स ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस आ जाती है, ओवर टाइम, पेंशन, ये कुछ हैं बाय लॉ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि देती ही देती हैं। अच्छा, देती है सेकेंड कैटेगरी होती है उन पर्क्स एंड बेनिफिट्स की जो डिफर करती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और यू कैन से इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर्स फार्मास्यूटिकल्स कह लें या हेल्थ सेक्टर्स कह लें, या फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशंस फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स होती हैं या सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, तो कुछ कुछ पर्क्स एंड बेनिफिट्स होती हैं जो बेसिकली डिफर करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ओके, ठीक अगेन आई है एम नॉट गोना टॉक अबाउट दोज पर्क्स एंड बेनिफिट्स एट द मोमेंट। आई विल टॉक अबाउट सम जनरल पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो के नॉट बाय लॉ, नॉट बाय इंडस्ट्री, बट एज एन एडिशनल वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट टू ऑफर और टू गिव फैसिलिटेट देयर एम्प्लॉइज। सो और जो के
जनरल हैं एंड आई एम श्योर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इफ आई टॉक अबाउट आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड हुमेवर इज लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट विल अग्री ऑन द फैक्ट के देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु गो आउट ऑफ देयर वे टू फैसिलिटेट देयर एम्प्लॉइज. सो यू नो क्वेश्चन आता है जो मैंने सवाल जिस तरीके से शुरू किया था कि भाई व्हाई डू वी गो फॉर वर्क, व्हाई डू वी वांट टू ऑप्ट फॉर अ सर्टेन जॉब और फॉर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन करियर सर्टेन. एज आपने जैसे बात की कि जी कुछ लोग एक ही जगह एक ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एंड वी सी देम टेन्योरिंग लाइक उनका टेन्योर 20 साल 25 साल आई मीन दे रिटायरमेंट के बाद ही बाहर निकलते हैं. हाउएवर द पिक्चर इज चेंज नाउ, द सिनेरियो इज डिफरेंट. आजकल वो जमाना चला गया. अब यू नो अपॉर्चुनिटीज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हैं, कंपटीशन बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, जिसकी वजह से अब वो जमाना चला गया कि जी इफ अ सर्टेन पर्सन जॉइंस एन ऑर्गेनाइजेशन तो वो वहीं पे यू नो ही वुड लाइक टू स्टिक टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. सो अच्छा खैर अभी टॉपिक है कि जी वो कौन से पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो यू नो आप ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू ऑफर टू देयर एम्प्लॉइज. बिफोर कमिंग टू दैट आई वुड लाइक टू आंसर और आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट Why do we need such kind of benefits? देखिए I know जो employers हैं जो authorities हैं जो management है जिनके पास वो power कह लें authority होती है to design all these reward policies and compensation you know structure they I'm sure I'm ये चीज बहुत you know they will be able to resonate to this perspective कि जी employees जो हैं खाली salary के लिए नहीं आते हैं. okay employees खाली काम के लिए भी नहीं आते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू डू अ सर्टन काइंड ऑफ जॉब और मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है तो मैं जी कहूंगी बस मुझे तो ये काम पसंद है तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आई ऑफर इट. नो देर इज मोर टू इट एंड नॉट ओनली दैट वंस एन इंडिविजुअल ज्वाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ये जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स की मैं बात कर रही हूँ रिसर्च कर लें या सर्वे हुआ है अब कि दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर टू रिटेन एंड मोटिवेट एन एम्प्लॉय यू नो इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आजकल यू नो ऑर्गेनाइजेशन कह लें या दुनिया में बहुत डिफरेंट चीजें हो रही हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग अप विद डिफरेंट आइडियाज यू नो नॉट ओनली टू स्टैंड आउट इन द मार्केट बट एट द सेम टाइम उनको पता है कि आजकल मार्केट की डायनामिक्स इतने चेंज हो गए हैं इतना वोलेटाइल हो गया है सिचुएशन लाइफस्टाइल्स लोगों की इतनी चैलेंजिंग हो गई है कि वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू यू नो लेट लूज देयर टॉप टैलेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज के भी उनका कोई ऐसा फैक्टर वो मिस आउट करें जिसकी वजह से देयर टॉप टैलेंट ऑप्ट टू मूव आउट. ओके फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगी वेलनेस प्रोग्राम्स की. ओके अब मुझे नहीं मालूम हाउ मच दिस टर्मिनोलॉजी इज familiar to the audience whomever is listening to us. Wellness programs is basically, just to briefly explain, is all about taking care as an employer, the management or the organization takes care of your employees' well-being. Usme bahut kuch aa jata hai. Usme aapki health wellness aa jati hai, emotional, physical wellness aa jati hai. Agar main coming to the point baat karu, aisi organizations hain. In fact, I will request the audience, whomever is listening to our session today, they can put it in the comments ki agar if they are aware of any organization across the world or within Pakistan, whether they are working for such an organization or anybody, they can quote it. I don't think so. There's any harm in mentioning any organization's name, which is in good way. Jo ke aisi perks and benefits offer kare hain. Unki aisi organization hai jo ke mental counseling, you know, mental counseling offer karti hain apne employees ko. Deep down, you never know what's going on in personal lives of your employee. And I'm not saying that they should intrude in somebody's personal life. However, mental, jaise career counselors hote hain, right? HR ka ek bada job hai, career counseling. Even for your employee. Aap career path unko batate hain, aap unse discuss karte hain, right? Isi tarah mental, emotional counseling bhi hoti hai. वो इन कॉन्फिडेंस हो सकती है वो कॉन्फिडेंशियल रह सकती है बट अगर एक एम्प्लॉयर आपकी कंपनी वाला बताता है आपके मैनेजमेंट आपको कहते हैं कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन केस इफ यू हैव इफ यू नो एज एन एम्प्लॉयर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी कोई पर्सनल इश्यूज हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं काम पे
आपके काम पे, तो वो इनको ऑफर कर सकते हैं कि वी हैव सो एंड सो मेंटल काउंसलर, कोई डॉक्टर्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं इन कॉन्फिडेंस. ये मैं अगेन ये मैं चांद तारे की बात नहीं कर रही, ये मैं वो बातें कर रही हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही हैं इसी दुनिया कर रही हैं. दिस गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग टू यू एज एन एम्प्लॉय कि देखो मेरा काम, मेरी मैनेजमेंट कह लो या मेरी लीडरशिप कह लो, मेरे लोग मुझसे सिर्फ काम निकलवाने के लिए नहीं बैठे हैं, दे केयर अबाउट माई इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस एज वेल. उससे यू नो और भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फिटनेस एक स्पेस दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई मीन आई नो आई मे साउंड अ लिटिल वियर्ड बट there are other companies and I'm sure हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हाँ ये trend आ गया, इन्होंने कुछ you know exercise machines लगाई नहीं है कि space में you know जिनके बहुत long working hours होते हैं, 15-20 मिनट का थोड़ा सा treadmill पे खड़े हो गए, थोड़ा सा you know थोड़ा सा अपने आप को freshen up कर लिया, physically freshen up हो जाता. तो wellness और इस तरह के बहुत बहुत different examples हैं ज़ोरा. तो wellness programs is one of the perks and benefits that I suggest and I would like to mention, not suggest, sorry, I would like to mention is your organizations offer kar rahi hain. Number two, employee recognition. Mujhe nahi malum employee recognition ka kya concept logon ke zehen mein hai. I think the only thing that I have observed so far in my experiences ke ji employee recognition jab hi hoti hai jab bichare ko kisi ko saal ke aakhir mein promotion milti hai, wah 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 usko promotion mil gayi, aur jo bichare nahi promotion ke haqdar kisi bhi wajah se hote ya unko nahi milti to wo to kabhi recognize hote hi nahi hai, unko balki de-recognize kar diya jata hai. However, one of the perks and benefits yun keh le aur aisi organizations hain which I have been part of myself, ye main khali survey karke ya google karke baat nahi kar rahi, I have been part of such organization where regularly employee recognition ka ek pure programs hote the jisme zaruri nahi hai ki unko bonus mile, unko promotion mile, unko increment mile, financial something else. Employee recognition has nothing to do with salary or pay, financial benefits. It is all about boosting the morale of your staff. Uske liye ho jata hai thank you note de de, employee of the month bana de. Aise bhi aise programs hote hain jisme like for example team ko kaha jata hai ki you have to nominate one of your peers, whether it is within your team or outside your team, jinse aapka you know इंटरेक्शन हुआ हो काम के हवाले से, जिसको आप नॉमिनेट कर सकते हैं कि और रीजन दे सकते हैं कि जी दिस पर्सन मिस रुहिना हैज डन एक्सेप्शनल यू नो सर्विस, गिवन एक्सेप्शनल सर्विस, और शी हैज कंप्लीटेड दिस टास्क, यू नो आई मेड अ रिक्वेस्ट, शी कंप्लीटेड दिस टास्क बिफोर टाइम एंड एक्स वाई जी, एंड उसके सर्टन क्राइटेरियाज होते हैं. एनीथिंग स्मॉल आल्सो दिस बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज के देखो somebody is clapping for me, I have been given the pat on the back. So ये चीजें मुझे तो कॉमनली नजर नहीं आती क्योंकि ये कहा जाता है इट्स अंडरस्टूड. अरे है ना, देखें कुछ चीजों के लिए ये मैं वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स की बात कर रही हूँ जो कि अज्यूम किया जाता है कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी द सर्वे द रिसर्च इंटरनेशनली ग्लोबली जब अब हुआ है तो पता ये चला है कि 48% इंक्रीज हो जाता है, लाइक 48% पीपल बिकम एम्प्लॉइज बिकम मोर हैप्पियर सेटिस्फाइड जब इस तरह के डिफरेंट पर्क्स एंड बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं. ओके नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉई डिस्काउंट्स या कह लें आप गिफ्ट वाउचर्स और रिटेल यू नो इस तरह के जो वाउचर्स होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस. देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट सेइंग कि ये हर हर कंपनी को ये करना चाहिए बिकॉज हर कंपनी की अपनी अपनी बजटिंग होती है, अपने फाइनेंशियल यू नो आप क्यों कह लें फिजिबिलिटी होती है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव डिफरेंट आइडियाज जो के हो रहे हैं, मेरे अपने आइडियाज नहीं है, दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड और ये अप्लाई किए जा सकते हैं विद इन द सिस्टम. जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अगेन आई विल गिव माय ओन एग्जांपल. मैं उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी जहां पे साल के शुरू में जो भी आपका फिस्कल ईयर होता है उस साल के शुरू में एक वाउचर
यू नो वाउचर कह लें, एक बुक दे दी जाए वाउचर जैसे, जिसमें कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं मिस एक्स वाई जी कंपनी को बिलोंग करती हूँ और मुझे लेट सपोज किसी सलून में जाके अपना हेयर डू कराना है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिनाउंड सलून में या कोई ऐसा जिसमें मैं पर्सनली अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, अगर लेकिन मुझे वो कंपनी ने मुझे वो सब्सिडाइज रेट पे मुझे वाउचर दे दिया है. फॉर एग्जाम्पल कोई फाइन डाइनिंग होती है, ठीक है कि भाई मैं पर्सनली जाऊंगी तो भाई मुझे मेरी जेब पे बड़ा भारी पड़ेगा, तो भाई सब्सिडाइज रेट पे मैं एक्स वाई जी कंपनी का वाउचर. उससे क्या होता है, देखें उसमें आई नो एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड, आई नो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज का हेडकाउंट इतना ज्यादा होता है, लेकिन अगेन दिस इज जस्ट अ फूड फॉर थॉट फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन द रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, के जी ये सब चीजें अगर आप कोशिश करें, मे बी इन बैचेस, मे बी इन यू नो इन डिफरेंट स्टेजेस, के डिफरेंट बजटिंग आप कर सकते हैं. ज़ाहिर है आई एम नो वन टू सजेस्ट ऑन दोज लाइन्स, हाउएवर आई एम जस्ट सजेस्टिंग के जी इस तरह की चीजें बूस्ट करती हैं एम्प्लॉइज के मुराल को, इस तरह की चीजें. खाली अब ये कहना कि जी हमने सैलरी ये दे दी है, भाई बेसिक वो प्रोविडेंट फंड उसका जब बोनस का टाइम आएगा, वो भी बोनस जब प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो बोनस नहीं. अगर आपको ऑनगोइंग रखना है अपने अपने एम्प्लॉइज को, ऑनगोइंग हैप्पी रखना है, इफ यू रियली वॉन्ट टू कीप योर एम्प्लॉइज हैप्पी, तो कुछ चीजें इस तरह की. फोर्थ वाला है जी अपना वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सी आवर्स. अच्छा अब ये आई एम श्योर कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ये कॉन्सेप्ट बड़ा उरूज पे चला गया, ये अप्रोच कह लें exactly. ये जरूरत बन गई अब ऑर्गेनाइजेशंस की. हाउएवर अभी अगेन जब सर्वे किया गया, लोगों से बात की गई, तो पता ये चला कि अब लोगों के पास इतनी मसले मसाइल हैं, जाहिर है उनकी फैमिली इश्यूज होते हैं, किसी के पास किसी के ऑफकोर्स बच्चे छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो ऑल द टाइम बाहर काम नहीं कर सकती खवातीन. कभी उनका होता है कि जी हाफ डे तो बच्चे स्कूल में होते हैं, उनको घर आना पड़ता है. कभी होता है उनको अपने किसी एल्डरली पेरेंट्स का टेक केयर करना होता है. कभी और कोई मसला होता है. कभी कभी होता है कि जी उनकी लोकेशन घर की ऐसी होती है जो कि अवे होती है, फार अवे होती है फ्रॉम देयर ऑफिस लोकेशन. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस. आई एम नॉट सेइंग के यानी वो सारी पांचों उंगलियां बराबर हैं या आप यू नो वन साइज फिट्स ऑल वाली बात मैं नहीं कर रही. हाउएवर आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कंपनी अफोर्ड कर सकती है, अफोर्ड इन द सेंस अगर उनको ये वाकई जेन्युइनली पता है कि आवर स्टाफ कैन मैनेज सो एंड सो टास्क फ्रॉम होम, और वी कैन गिव देम फ्लेक्सी आवर्स फैसिलिटी कि हाँ भाई हफ्ते में तीन दिन तुम आओगे ऑफिस, दो दिन घर से काम करोगे, या एक्स वाई जी फ्लेक्सी आवर्स में रिमोट लोकेशंस भी आ जाती हैं, फ्लेक्सी आवर्स में टाइमिंग भी आ जाती हैं. सो देर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑप्टिंग फॉर सच यू नो अरेंजमेंट्स बिकॉज दिस पेंडेमिक हैज गिवन देम दिस कंफर्मेशन दैट ऐसी बात नहीं है, घर बैठ के भी लोग काम कर सकते हैं. और इसका मैं आपको फायदा बताऊं, देखिए there are different benefits. Obviously one of the benefit from the perspective of an employee is ke unke andar trust, unki feeling aati hai ke we are being trusted, hame policing ki zarurat nahi hai ya hamari management hame helicopter kar rahe ke ji unki nazron ke aage hum baithenge to hi hum kaam karenge. They trust actively and there are different ways. Obviously I am not saying ke ji aap khuli chutti de do ke ha bhai jao jahan marzi aap baithe. There has to be a balance. Bilkul sahi baat aap keh rahi hain. There has to be a balance to all of the kind of characters or behaviors that a management has towards their employees. There are different uski requirements hoti hain, different uski jise kehna chahiye conditions hoti hain, aapko dekhna padta hai, limitations hoti hain. So aisa nahi hai ha, lekin again मैं जो ये बातें कर रही हूँ या मेरा जो मकसद था ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स शेयर करने का जोरा, वो ये था कि जो हमारी अनफॉर्चुनेटली रिजिडिटी आती है ना हमारे जहन में कि जी बस ये 50 साल से चल रहा है तो यही जिंदगी भर चलता रहेगा, हमने तो कभी जिंदगी में घर से काम नहीं किया, हम क्यों करें, हमने तो जिंदगी भर खुद ही अपने जेब से ये किया है वो. नहीं, अब लाइफ इज चेंजिंग, ओके, मार्केट इज चेंजिंग, psyche of the employees itself is changing, Zora. So इस वजह से मैं समझती हूँ कि अच्छा लास्ट में आखिरी पॉक के जिक्र करूंगी, उसके बाद मैं कुछ थोड़ी जल्दी से कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिसमें आई थिंक हम सभी हंसेंगे
और हैरान भी हो जाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको लास्ट बेनिफिट बता दूं, वो है ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट. ओके, देर आर ऑर्गेनाइजेशंस ज़ोरा जो के आपके एम्प्लॉइज की करियर डेवलपमेंट के को सपोर्ट करते हैं. यू नो इट वेरी वेल ज़ोरा के ऑर्गेनाइजेशंस में, या यानी के एम्प्लॉइज जो होते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे वो यंगर लॉट हो या मिड लेवल हो या सीनियर लेवल हो, ज्यादातर यंगर को मैं टारगेट करूंगी, वो पैसे के खातिर जॉब करना स्टार्ट करते हैं. करेक्ट. बट उनको करियर ग्रोथ के लिए अपनी जो डेवलपमेंट चाहिए ना, अपनी क्वालिफिकेशन इंक्रीज करने का होता है, सब कुछ होता है, एंड दे आर अनएबल टू यू नो फाइनेंस देमसेल्व्स. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन ऑफ द रीजन, एम्प्लॉयर अगर अफोर्ड कर सकता है, अगेन आई विल पुट दैट स्पेसिफिकली, आई विल क्लैरिफाई कि जी मैं ये नहीं कह रही कि हर ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए ही चाहिए या वो कर सकता है, बट मैं सिर्फ फूड फॉर थॉट दे रही हूँ कि कैन यू प्लीज थिंक ऑन दोज लाइंस एज वेल, कि जो आपके अच्छा, देखें जो आपके कीमती लोग हैं, जो आपके कीमती लोग हैं. अच्छा, अब आप, मैं आपको जल्दी से इसका एग्जाम्पल बताऊं. मैं फॉर एग्जाम्पल ज़ोरा, आप मेरी कंपनी में काम करती हैं और आप बेइंतहा मेरी जो है ना जबरदस्त एसेट हैं, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल, राइट. और मैं कहती हूँ भाई ज़ोरा इज द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ माई कंपनी और वो बड़ा जबरदस्त डिलीवरेबल्स हैं उसके, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट. अच्छा जी, अब ज़ोरा की एक पर्सनल एस्पिरेशन है कि जी मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मैं इससे ऊपर वाले लेवल पे जाना चाहती हूँ, बिकॉज इट विल नॉट ओनली बेनिफिट मी, इट विल बेनिफिट माई कंपनी एज वेल, एंड ऑफ कोर्स माई फ्यूचर एस्पिरेशंस एंड ऑल दैट. अब वो बेचारी कर नहीं पा रही क्योंकि उसकी फाइनेंशियल, उसको फाइनेंशियल इजाजत नहीं देते. करेक्ट. सो देयर आर टू सिनेरियोस. वन, आप क्या करेंगी ज़ोरा, आपको वो क्वालिफिकेशन परसू करनी है, आपका है पर्सनल पैशन है कि यार मैं करूं. आप क्या करेंगी, आप कहेंगी भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेट्स मी लुक फॉर अनदर जॉब, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पैसे, मेरी जो भी इनकम है मुझे इजाजत नहीं दे रही, लेट मी लुक फॉर अनदर जॉब वेर आई विल गेट एडिशनल मनी वेर आई कैन बी एबल टू यू नो फाइनेंस माय स्टडी. और ऐसा होता है ज़ोरा, आई डोंट थिंक सो इट्स समथिंग दैट आई एम टॉकिंग वियर्ड. बहुत एग्जांपल्स हमारे नजर आते हैं और हमने खुद भी कभी किए होंगे या हमारे सामने हैं ऐसे. तो आप क्या करेंगी, आप दूसरी जॉब को ऑप्ट करेंगी, आप ये कंपनी छोड़ देंगी, आप दूसरी कंपनी में चली जाएंगी जो कि आपको ज्यादा पैसे देंगी, विच विल हेल्प यू टू परस्यू योर हायर क्वालिफिकेशन. अब आप ये बताइए एम्प्लॉयर का कितना बड़ा नुकसान हो गया, उसने एक अच्छे एसेट को लेट गो कर लिया, फुर्सत हो गई. दूसरा सिनेरियो ये है कि एज एन एम्प्लॉयर मैं चाह कहती हूँ कि ओके नो प्रॉब्लम, जो भी अरेंजमेंट होगी, एंड इट्स नॉट सो वन टू वन के मैं ज़ोरा के लिए एक्सेप्शनल करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल रिवॉर्ड एंड कॉम्पेंसेशन पॉलिसी. जी उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट होगी, उसकी सर्टन कंडीशंस होंगी. आई एम नॉट सेइंग कि जी एडहॉक बस सुबह उठो और पैसे देना शुरू हो जाओ. जाहिर है प्रॉपर आप पॉलिसी बनाइए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाइए, एक्स वाई जी सारा हो, बजटिंग हो, एक्स वाई जी हो. उसके बाद मैं कहती हूँ कि नहीं ज़ोरा, यू वॉन्ट टू परसू योर हायर क्वालिफिकेशन, एक्स वाई जी ये कंडीशन है, इफ यू फुलफिल वी आर रेडी टू रीइंबर्स इट, वी आर रेडी टू फाइनेंस इट, स्पॉन्सर इट. तो उससे फायदा क्या होगा, दो फायदे होंगे सबसे बड़े. नंबर वन, यू विल बी रिटेन इन द कंपनी, आपको ये लगेगा कि मेरी कंपनी मुझे सपोर्ट कर रही है, आपकी जॉब भी नहीं जाएगी, आप काम भी करती रहेंगी, आप पढ़ाई भी अपने दायरे जो भी आपके स्केड्यूल होगा उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. रुई ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. आप, यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग मोर, यू विल स्टार्ट गिविंग मोर, यू विल फील गुड अबाउट इट कि आई बिलोंग टू एक्स वाई जी कंपनी विच इज डेली टेकिंग केयर ऑफ मी, माय पर्सनल करियर एस्पिरेशन. तो ये कुछ चीजें मैंने थी, वेलनेस प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय रिकग्निशन, यू नो एम्प्लॉय डिस्काउंट्स या रिटेल वाउचर्स टाइप जो चीजें होती हैं, फिर फ्लेक्सी आवर्स, और फिर आखिरी मैंने बताया आपको इस तरह ट्यूशन फी रीइंबर्स. देखिए इस तरह की तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने ये पांच इसलिए चूज की थी जस्ट टू नेम अ फ्यू, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अफोर्डेबल होती हैं. ऐसा नहीं है, मतलब एक बैलेंस में, ऐसा नहीं है कि, मुझे बहुत अच्छा लगा रही ना कि आपने किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया जो कि सिर्फ फाइनेंशियल और हाई फाइनेंशियल स्पेंडिंग के साथ आपने रिलेट की हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो ये नहीं कर पा रही. और आपको पता भी है कि बोनसेस की अमाउंट्स बहुत दफा इस साल और पिछले साल इस्तेमाल की गई है सैलरीज को इंबर्स करने के लिए, तो डिसबर्स करने के लिए. तो उस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में मुझे
बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही रीजनेबल चीजों को को मेंशन किया है जो की जा सकती है सिस्टम्स, और क्यों नहीं कर सकते टू रिटेन एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द टीम मेंबर्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए मैंने कहा थैंक यू नोट तो आप दे सकते हैं ना एम्प्लॉइज को, जरूरी थोड़ी कि आप साल के आखिर में इंतजार करें। पीयर टू पीयर थैंक यू नोट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, एप्रिसिएशन ईमेल्स एक्सचेंज हो सकती हैं, यू नो जस्ट टू बूस्ट द मोरल। अच्छा अब आ जाएं आखिरी इस सेशन के आखिरी हिस्से में, जिसमें मैं ये जिक्र करने वाली हूँ कि जी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैं जो कि बाकायदा बताई गई हैं, फॉर्मली अनाउंस किया गया है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे टू स्टार्ट विद गूगल। ओके आई एम श्योर लोग तो ये कहेंगे कि गूगल में तो कुछ भी हो सकता है, तो भाई गूगल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए गूगल गूगल पहुंचा ही उधर इसलिए क्योंकि उसने बहुत कुछ किया है। गूगल में आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट, गूगल में उनके जो ऑफिस स्पेस है, जो भी उनका कंपनी स्पेस है और जहाँ काम लोग करते हैं, वहां पे स्लीपिंग पॉड्स उन्होंने दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं। बाय दैट व्हाट आई मीन, दोस ऑफ यू हु वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली आर स्लीपिंग पॉड्स, के भाई जोरा अगेन ये बात कोई नई मैं नहीं कर रही, बहुत से लोग हैं वो मीटिंग में ऊँगते रहते हैं बिकॉज मीटिंग गेट्स सो बोरिंग। खाना खाने के बाद हर किसी को नींद आती है, मुझे तो बहुत नींद आती है दोपहर के खाना खाने के बाद। कभी कभार सुबह के टाइम जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो थोड़ा सा नींद, दोबारा नींद का झोंका आ जाता है। तो that was just on a lighter note, but Google ने sleeping pods अपने employees के लिए बनाए हुए हैं कि अगर किसी को nap लेना है तो meeting में ना ले, या अपने desk पे ना ले, या while you are creating some software or anything वहाँ ना ले, आप जाइए, you are allowed to take a short nap in this Google in the sleeping pod। वो एक बड़े मजे का उन्होंने स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे बाकायदा आप गूगल की, अगेन गूगल कीजिएगा तो नजर आएगा, जिसमें लोग आराम से 15-20 मिनट 10 मिनट की कोई छोटी सी पावर नैप लेते हैं और वापस फ्रेश आते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कह रही कि हमारे लोग ये शुरू कर दें, बट आई एम जस्ट टेलिंग। दूसरा एग्जांपल पेटर्निटी या मेटर्निटी लीव का तो सुना ही होगा हमने, मेटर्निटी लीव और अभी हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, बट इंटरनेशनली या ग्लोबली पटर्निटी लीव है। हावेवर मैं पटर्निटी या मटर्निटी की बात नहीं करूंगी, मैं बात करूंगी पॉटर्निटी लीव का। अब पॉटर्निटी लीव क्या है, पॉ इज पी ए डब्ल्यू, पॉ यानी के जो हमारे पेट्स होते हैं उनके जो पॉज होते हैं, पॉ हाथ होते हैं उनके, चलिए उसको पॉ कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बाहर की ऐसी भी हैं कुछ जो पॉटर्निटी लीव देती हैं, मीनिंग जाहिर है हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है आई एम श्योर, लेकिन बाहर के बाहर में एवरी अदर हाउस होल्ड हैज अ पेट। ओके तो जी फैमिली, तो भाई एंड दे कंसीडर देयर पेट्स एज देयर फैमिली मेंबर्स। तो कभी भी कोई ऐसा मिसहैप हो या कोई हैप्पी ओकेजन हो या गॉड फॉरबिड सैड ओकेजन हो तो वो पेटर्निटी लीव भी देते हैं। इस तरह के और बहुत से एग्जांपल्स हैं जो कि इट विल आवर सोसाइटी और आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रेजोनेट, बट फ्रेंकली स्पीकिंग टू कट द यू नो टू कंक्लूड आवर सेशन टुडे, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि थोड़ा सा आई एम श्योर दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट आप यू नो जस्ट अ सजेशन जस्ट टू मेंशन कि जी एम्प्लॉयज को अगर वो इमोशनली इंगेज करना चाहते हैं तो दे हैव टू लुक बियॉन्ड ओनली कैश बेनिफिट्स। यू नो आई नो बॉटम लाइन सबकी कैश ही होती है, बट अगर आप किसी को यू नो डिफरेंट तरीके से उनको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने आपको बताया वेलनेस प्रोग्राम्स हो गए, फिटनेस जिम मेंबरशिप्स आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड इट ओनली नॉट ओनली उनकी हेल्थ के लिए, इट गिव्स अ वेरी यू नो गुड फीलिंग कि आप अपने अपने लोगों की फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने खासतौर पे खासतौर पे अभी मुझे ख्याल आ रहा है रुहिना कि पोस्ट कोविड जो है वो इस तरह के जो छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं ये ज्यादा मोटिवेटिंग होंगे, और इस टाइम पे अगर अपनी अच्छे टीम मेंबर्स कंपनीज लूज कर रही हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान है रुहिना। नॉर्मल वक्तों का काम अलग है और इस वक्त कितना जरूरी है उन अच्छे वर्कर्स को रिटेन करना, क्योंकि आपने इसी कोविड की सिचुएशन में कंपनी से
प्रॉफिट्स भी निकालने हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए देखिए अगेन हम बस जस्ट टू एंड इट ज़ोरा के इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स और सजेशंस और आइडियाज आ सकते हैं. अगर रिवॉर्ड्स एंड कॉम्पेंसेशन के जो लीडरशिप है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन दीज पॉलिसीज, थोड़ा सा सर जोड़ करके बैठ के देखें कि जी असाइड फ्रॉम पेमेंट, असाइड फ्रॉम कैश बेनिफिट्स, ऐसी कौन सी ऐसे बेनिफिट्स है. बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो कॉस्ट, लेट सपोज आई एम श्योर नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डेफिनेटली इन सब चीजों में कॉस्ट लगेगी. हाउएवर जो उसके रिटर्न आता है वो बहुत, उससे मल्टीपल उसका बेनिफिट होता है. एब्सेंटीज़म कम हो जाता है, सिक लीव कम हो जाती है, डिससैटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. सो बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं. और जैसे मैंने ट्यूशन फी रीइंबर्समेंट की बात की थी, इट गिव्स अ, दिस इज अ लर्निंग कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग कल्चर डेवलप करता है. सो खैर अगेन हम बात कर रहे हैं मॉन्सले में माइंडफुलनेस एंड एचआर की. दैट्स व्हाई आई थॉट के लेट्स टॉक अबाउट ब्रिंगिंग इन माइंडफुलनेस इन आवर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर. Zabardast, superbly put, Rohina, and I feel so strongly of how ever many people are going to hear this out. बहुत अच्छा और प्यारा message Rohina ने encapsulate करके दे दिया हमारे लिए कि emotionally regulated लोग कितने productive और profitable हो सकते हैं. इन वक्तों में मैं भी जानती हूँ, Rohina भी जानती है, और हम सब जानते हैं कि companies बहुत दफा को बहुत tough decisions लेने पड़े हैं Rohina, और बहुत सारे लोगों को layoffs भी के लिए भी हो रहा है. सारी दुनिया जो है वो इसी कश्मकश में है. लेकिन एट द सेम टाइम आपकी सारी बातों में जो माइंडफुल रेगुलेशन वाला एलिमेंट था मुझे सबसे प्यारा लगा कि हम छोटी छोटी चीजों से जो अपने मौजूदा लोग हैं, जो हमारी टीम्स हैं, उनको किस तरह से मोटिवेटेड रख सकते हैं और किस तरह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी इवन पोस्ट कोविड लूज नहीं करें. बहुत जबरदस्त तरीके आपने आज बताए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और अब स्ले करना और आसान हो जाएगा ये हफ्ता भी और आज का मंडे भी. आई एम श्योर आप सब लोगों ने हमें कमेंट्स भेजने हैं, फीडबैक भेजने, जैसे Rohina ने सजेस्ट किया कि आप लोग अपना नाम भी टाइप इन कर सकते हैं, अपने कोई और डिलेमास हैं जो आप चाहते हैं कि हम एड्रेस करें Rohina के साथ, आपने हमें इनबॉक्स करना है और बताना है. आज डिफेंस डे है पाकिस्तान में. हैप्पी डिफेंस डे Rohina, हैप्पी डिफेंस डे एवरी पाकिस्तानी अक्रॉस द ग्लोब. अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हम सबको भी रखे. अपना ख्याल रखिएगा. एंड वी गोइंग टू बी बैक अगेन नेक्स्ट मंडे एंड लेट यू नो हाउ यू गोइंग टू स्ले नेक्स्ट मंडे. बाय बाय, खुदा हाफिज़. इंशाल्लाह, बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन.